जो टिकट बांट रहे हैं, अगर वो टिकट बांट रहे हैं तो उसमें मेरा भी सहयोग था। अगर मैं सब जगह चुनाव लड़ा देता तो टिकट नहीं बांट पाते, वो हार के घर बैठ जाते। अब आपकी लाल डायरी तो जिसकी गूंज पूरे देश के अंदर है। अब आप बताओ यार, कौन सी लाल डायरी, क्या लिखा हुआ? अगर लिखा हुआ था तो फिर अगले पन्ने क्यों नहीं आए डायरी के, बताओ मुझे? क्योंकि अगले पन्नों के अंदर, पहले पन्नों में कांग्रेस और अगलों में भारतीय जनता पार्टी थी पूरी पूरी, जो गहलोत से मिलकर लेन देन कर रही थी। आपके विधायक जी को पीटते हुए देखा मैंने। मैं अगर वहां होता तो मैं उनको बचाता, पीटने नहीं देता, क्योंकि विधायक विधायक होता है। और जब साथी को कोई पीट रहा तो साथी को आगे बीजेपी के लोगों ने चढ़ा दिया कि आप तो जाओ, और गए और बीजेपी बाहर चले गए। बोले बढ़िया काम होगा, जूता पड़ जाएगा। जो निरंकुशता मोदी की देश के अंदर चल रही है, मीडिया वही बात छापेगा जो प्रधानमंत्री चाहेंगे, मीडिया वही दिखाएगा बार बार जो मोदी जी चाहेंगे। बीजेपी और तो गाय का नारा लगेगा सत्ता के अंदर आए, जय गो माता, चंदा भी इसी नाम का करते थे मंदिर, और गाय दो के नाम से चंदा करते थे। मैं कभी गलत बात भी नहीं करता, वही बात कहता हूं जो मैंने किया। बहुत से लोगों ने कहा साहब आप चुनाव मत लड़ाओ, आप लड़ाओगे हम हार जाएंगे, हम हार जाएंगे, ठीक नहीं रहेगा। वैसे जो पार्टी बनाता है वो किसी दूसरे के लिए नहीं बनाता, पार्टी की एक विचारधारा होती है। कांग्रेस बीजेपी से त्रस्त लोगों को राजस्थान में विकल्प कैसे मिले, पार्टी बनाई। पिछली बार तमाम जगह जो आज कांग्रेस बीजेपी के अंदर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, जो टिकट बांट रहे हैं, अगर वो टिकट बांट रहे हैं तो उसमें मेरा भी सहयोग था। अगर मैं सब जगह चुनाव लड़ा देता तो टिकट नहीं बांट पाते, वो हार के घर बैठ जाते। आपके यहां भी उम्मीदवार कोई टिकट लेकर आया था, मुझे पता है, लेकिन वो टिकट लेके ही आया था। जब आपके लोगों ने कहा कि हनुमान जी हेलीकॉप्टर का रुख उदयपुर वाटी की तरफ मत करो, नहीं किया था मैंने, बात मान ली थी आप लोगों की। ऐसे लोग आपको नहीं मिलेंगे जो समय के साथ जनमानस की भावनाओं को पहचाने। नेताओं को तो वोट बैंक से मतलब है, नेता तो जो पार्टी बनाता वो चाहता कि मेरा वोट बैंक कैसे बढ़े, और मैंने ये चाहता कि मेरे लोगों का सम्मान कैसे बढ़े, मेरी वजह से कोई गुंडे बदमाश इस राजस्थान की विधानसभा के अंदर नहीं पहुंचे। ये मैंने प्रयास किया था हर जगह, और आपने देखा भी होगा यहां शेखावटी अंचल जहां हमारी सबसे ज्यादा संख्या किसानों की, फिर भी दुर्भाग्य से देखिए राजनीति कौन कर, आप देखिए मुझे चारों तरफ नजर उठा के देखे 100 किलोमीटर के अंदर, जिनके वोट नहीं वो यहां के नेता है, जिनके वोट है वो टिकट मांगने के लिए लाइन लगा के खड़े रहते हैं। ये राजनीति राजस्थान के अंदर हो रही। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मारवाड़ से इस बार राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी का तूफान चलेगा, शेखावटी में आप सुनामी बना देना, मुख्यमंत्री आपका बन जाएगा, इतने विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। मैंने पूरे राजस्थान को नापा, उपचुनाव के अंदर बल्लभ नगर उदयपुर के अंदर, जहां कोई सोच नहीं सकता कि आरएलपी जैसी पार्टी बीजेपी की जमानत जब्त कराएगी। बल्लभ नगर के अंदर जब हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़े, वो डांगी समाज से थे, पाटीदार समाज से, 50,000 वोट लेके भारतीय जनता पार्टी को चौथे नंबर पर धकेला, और दरियावत के अंदर बीटीपी आरएलपी का समर्थित उम्मीदवार बीजेपी को तीसरे नंबर पर धकेलता है। सरदार शेर का जो ताजा चुनाव था, या सुजानगढ़ का चुनाव, खींवसर में आरएलपी की जीत और साडा के चुनाव ने साबित कर दिया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मारवाड़ की पार्टी नहीं है, वो राजस्थान के किसान और जवानों के दिलों में बसने वाली पार्टी है, वो सर्व समाज की पार्टी है। 3 विधायक जो जीत के गए उनमें 2 शेड्यूल कास्ट के विधायकों को जीता के अगर राजस्थान की विधानसभा में ले गया, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आपका भाई हनुमान बेनीवाल था। बसपा से एक भी विधायक शेड्यूल कास्ट का जीत के नहीं गया, बसपा के नाम से वोट ले लिए थे, चिन्ह ले लिया, और जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी भाग गए थे 6-6। यही घटना 2008-09 के अंदर हुई थी, 6 जीते थे, हाथी को पीछे छोड़ गए और कांग्रेस पार्टी के अंदर भाग गए, हाथी की सवारी से आए और दूसरी सवारी कर ली जाके। ये हालात इस राजस्थान के अंदर थे। भाइयों आपने देखा होगा कि 25 सांसद राजस्थान से आते हैं, झुंझुनू का सांसद भी किसान का बेटा है, शिखर के बाबा जी भी किसान है, चूरू के भी किसान पुत्र हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि लोकसभा चुनाव से पहले पहले हम एक बार दिल्ली की ओर चलेंगे, और उस दिन
अग्निपथ वापस हो जाएगा। यह सेमीफाइनल है राजस्थान का इस चुनाव के अंदर। अगर आपने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को वोट नहीं डाला, आपने तीसरी ताकत खड़ी कर दी, आपने अपने भाई को आशीर्वाद दे दिया, तो निश्चित रूप से इस देश की राजनीति इस राजस्थान के और शेखावटी के इर्द गिर्द घूमेगी, इतना मैं विश्वास आपको दिलाता। मुझे बहुत बड़ी पीड़ा होती है जब हम पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, सांसद हर सांसद एक ही बात करता है, आपस में बातें करते हैं, आपका बिजनेस क्या है, आपने जूते कितने रुपए के पहन रखे हैं, आपकी शर्ट कहां से लाए, ये क्या है, अंगूठी कौन सी है, मतलब उन बिजनेस के अलावा कोई बात, पॉलिटिक्स को लोग व्यापार का सबसे अच्छा धंधा मानते हैं। व्यापार अगर करना हो तो राजनीति के अंदर चले जाओ। आजकल तो एक नई चीज और हो गई, लोग चोरियां करते हैं, पहले कोई गाड़ी का चोर, कोई मोटरसाइकिल का चोर, कोई डोडे का तस्कर, कोई दारू का ठेकेदार, ये क्या करते हैं, जब उनको छवि सुधारनी हो, पहले कुर्ते पजामे का फैशन था, वो तो आजकल मैंने कम कर दिया, पैंट शर्ट पे चल रही राजनीति सारी की सारी, देखो हर कोई पैंट शर्ट पहन रहा है, तो अच्छी बात है ना। आप बताएं जब नशे के कारोबारी पॉलिटिक्स में उस जगह बैठ जाएंगे जहां से कानून बन रहे हैं, तो फिर कैसे नशे को रोकोगे आप बताओ मुझे, कौन ठीक करेगा इस व्यवस्था को, क्या कांग्रेस ठीक कर लेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी ठीक कर लेगी। 25 साल कांग्रेस और बीजेपी को मैंने नजदीक से देखा, अब आपकी लाल डायरी तो जिसकी गूंज पूरे देश के अंदर है, अब आप बताओ यार कौन सी लाल डायरी, क्या लिखा हुआ, अगर लिखा हुआ था तो फिर अगले पन्ने क्यों नहीं आए डायरी के, बताओ मुझे, क्योंकि अगले पन्नों के अंदर पहले पन्नों में कांग्रेस और अगलों में भारतीय जनता पार्टी थी पूरी पूरी, जो गहलोत से मिलकर लेन देन कर रही थी, और जो लाल डायरी ले गए वो क्या कर रहे थे आप बताओ, वो भी तो यही काम कर रहे होंगे ना, तभी तो लाल डायरी उनके पास आई, हमारे पास तो नहीं आई लाल डायरी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज ये उदयपुर वाटी के अंदर नीम का थाना के अंदर इतना अच्छा माइनिंग का इलाका, अगर सरकार चाहे तो किसान माला माल हो सकता है, उनको पट्टे दे सरकार, खेतों में पट्टे दे, आज सोना चांदी तांबा तेल ये तो सरकार ले ले, लेकिन बजरी रेत चाइना क्ले जिप्सम सैंड स्टोन ये छोटा मोटा किसानों के लिए छोड़ दें। आपके यहाँ आप इतने डरते हो, मेरे वहां लोग डरते कम है, आपके तो बिजली का बिल भरते होंगे सारे सारे लोग भरते हैं ना, हमारे उधर कम भरते हैं बिजली का बिल, और माइनिंग का तो बिल्कुल देर से सामने हो जाता है, माइनिंग तो हमारी खुद की, और सही बात है, इलीगल माइनिंग वो होती है जो पड़ोसी के खेत से उठा के ले आओ, खुद के खेत में क्या इलीगल होगी बताओ मुझे, पेट भरने के लिए कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो खेत का पत्थर निकालने में जोर कितना था, किसी अधिकारी को बोलो या नेता को बोलो पत्थर खोद के दिखा दे, खोद सकता है शाम तक। किसान अपने परिवार का पेट पालने के लिए अगर वो अपने खेत में माइनिंग करके 1,000-2,000 रुपए कमा के अपने बच्चों को पढ़ा लेता है, वो इलीगल माइनिंग नहीं है, ये आपकी पैरोकारी इस देश की लोकसभा और विधानसभा के अंदर। किसान को जो लोग चोर कहते थे कि किसान बिजली की चोरी करता है, मैंने कहा चोरी किसान नहीं करता, चोरी अधिकारी करते हैं, किसान की पूरी बिजली माफ कर दो, तो 1998-2000 के अंदर जब कंपनियां बनी थी राजस्थान के अंदर, 23 साल में कंपनियों का घाटा हो गया 150 लाख से ज्यादा करोड़ का घाटा, और पूरी किसान की बिजली माफ कर देते तो 70-80 लाख के अंदर ही आ जाती सारी, 7-8 हजार 10 हजार करोड़ का पूरा बिजली किसानों की माफ कर दो, पैसा कौन खाता है इसके अंदर, मंत्री सरकार के लोग, बिजली की खरीद फरोख्त तो रोज नए ठेके लेना, कोई रिकॉर्ड नहीं, ये बिजली के अंदर आपने देखा होगा रिकॉर्ड नहीं होता कहीं भी, जबानी जमा खर्च है, पोल ले जाओ तार ले जाओ कौन सा आ रहा है कौन सा जा रहा है, ट्रांसफार्मर की प्लेट बदल दी, कौन जांच करेगा, टाइम किसके पास है। तो सबसे ज्यादा किसानों को चोर कहने वाले लोगों को मैंने कहा कि चोर किसान नहीं है, किसान अन्नदाता है, अगर आवश्यकता पड़ गई कनेक्शन नहीं हो रहा है और खुद में एडजस्टमेंट कर लिया तो कौन सा पाप हो गया बताओ मुझे, मेरे वहां तो है ही नहीं कनेक्शन, ऐसे ही चलाते थे पूरे पूरे विधानसभा में। एक बार बोला मंत्रियों ने कि आपके तो 2000 कनेक्शन फर्जी चल रहे हैं, मैंने कहा 2000 नहीं 20,000 चल रहे हैं, जाओ रोक दिखा लो, रोक लिए थे क्या, वो सुंदरा बोल रही थी कि आप तो आपराधिक प्रवृत्ति के हो, तो मैंने कहा गिरफ्तार कर मुझे, और नहीं तो तेरी जगह मैं बैठता हूँ तो MLA इधर आ, मैं भी यही गिरफ्तार करता हूँ विधानसभा के अंदर, तो ये करने के लिए बहुत कड़े जाती है। मैंने देखा, मैं विधानसभा में पिटा नहीं था, पीट दिया था, आपके विधायक जी को पीटते हुए देखा मैंने, मैं अगर वहां होता तो मैं उनको बचाता, पीटने नहीं देता, क्योंकि विधायक विधायक होता है, और जब साथी को कोई पीट रहा तो साथी को आगे,
बीजेपी के लोगों ने चढ़ा दिया कि आप तो जाओ, और गए और बीजेपी वाले बाहर चले गए। बोले बढ़िया काम होगा, जूता पड़ रहा है। अब बताओ कितनी बड़ी विडंबना, कितनी बड़ी पॉलिटिक्स। अब नहीं समझने वाले नहीं समझते इस बात को, और समझने वाले समझ जाते हैं। लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि काजल की कोटरी के अंदर रह के अगर कोई दाग किसी के नहीं लगा, मैं भी ये आप देखिए ईडी आ रही है आपके सेकावाटी के अंदर, टीडी शायद यहां नहीं पहुंची थी, आई थी क्या टीडी? टीडी कम आयुक्त, तो ईडी आ गई है वापिस लक्ष्मणगढ़। सीकर पूरा नाप चोप कर लिया, पूरा नागौर के अंदर घुस गई, आसपास के कांग्रेस के नेताओं के जो पार्टनर साथी थे, ईडी सीबीआई चुनाव के टाइम, अब जो जो चुनाव नजदीक आएंगे एसीबी सीआईडी सीबी केस मुकदमे डराने की कोशिश करेंगे। मेरे तो रोज सरकार ऐसी पीछे पड़ी कि एक दो मुकदमे रोज दर्ज कर लेते हैं, जहां जहां चलते एक दो पीछे पता लगता है रात को कि एक मुकदमा दर्ज हो गया। मैंने कहा होने दो भाई जो भी होना है, क्योंकि जब जीवन ही समर्पित कर दिया, आपके लिए लड़ते हुए एक बार सजा भी हो गई थी जिसमें आपने देखा होगा, फिर ईश्वरी कृपा से बरी हो गए। अब अगर हम लड़ेंगे नहीं, आपके लिए सड़कों पर नहीं बैठेंगे, तो कैसे आपको न्याय दिलाएंगे बताओ मुझे? फिर तो लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था यही है कि जनता के लिए जनता के प्रति तो लड़ाई लड़नी पड़ती है, और लड़ाई लड़ते हुए अगर सरकार के लोग इस तरह करने लग जाए तो ये निरंकुशता हो गई, जो निरंकुशता मोदी की देश के अंदर चल रही है। मीडिया वही बात छापेगा जो प्रधानमंत्री चाहेंगे, मीडिया वही दिखाएगा बार बार जो मोदी जी चाहेंगे। मुझे बताएं कि 2014 के बाद एनडीए के माध्यम से बीजेपी सरकार के अंदर आई, हमारे जैसे में तो छोटा नया दल था, पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक बिहार तक कितने किसान नेताओं के कंधे पे बंदूक रख के धीरे 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 भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। अगर अकेले में दम होता तो एनडीए क्यों बनाती, अकेली लड़ती भारतीय जनता पार्टी। एनडीए के फिर साथियों को बार बार निकालते 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 खुद की संख्या 303 कर ली, और एनडीए वालों की क्या हालत कर दी, ये भी आप देख रहे हो। लेकिन 14 के अंदर और 19 में उम्मीद जगी थी कि मोदी की सरकार बनेगी तो सादत कम होगी, किसी किसान के बेटे को सीने पे गोली नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान का बेखौफ इस पूरे देश के अंदर होगा। दुर्भाग्य से देखिए 2014 से 23 के अंदर सबसे ज्यादा अगर सादत हुई है, सबसे ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट चाइना पाकिस्तान और दूसरे आतंकी हमारे संगठन और अंदर की जो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा को लेके जो हमले हुए उसमें सबसे ज्यादा सैनिकों ने सादत दी है। तो फिर कहाँ प्रधानमंत्री जी देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? करण मैं भारत को आगे लेके जा रहा हूँ। कोविड के टाइम 50 लाख लोग चले गए, कहाँ व्यवस्था थी बताएं? सबसे ज्यादा अगर कोविड में मौतें हुई वो हिंदुस्तान के अंदर हुई। गाय हमारा सब कहता बीजेपी और तो गाय का नारा लगे कि सत्ता के अंदर आए, जय गो माता चंदा भी इसी नाम का करते थे मंदिर, और गाय दो के नाम से चंदा करते थे, मंदिर तो बढ़ने के नजदीक है। लेकिन लंपी में गो माता ने दम तोड़ा, एक सांसद इनका नहीं बोला। उस समय लंपी राजस्थान में ज्यादा नहीं थी, कुछ जगह आई थी। मैंने जब मामला उठाया तो 5-6 MP हंस रहे थे, मैंने कहा तुम हंसो मत, तुम्हारा इलाज हो जाएगा, गाय माता कर देगी तुम्हारा। फिर बाद में कह रहे यार लंपी तो सब जगह आ गई, ध्यान नहीं था उनको, बाबा जी वगैरह ध्यान थोड़ी रखते हैं, तो दूसरे कामों का ध्यान रखते हैं। बाबा जी मेरे हिसाब से जंतर मंतर से काम चलाते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्यों उनके पास कोई ऐसी शक्ति होगी जिसको सुर घुस कर देते हैं उसे हो जाता काम, हमें तो लड़ना पड़ता है। तो टिकट बाबा जी का बेस, और आप ये किस्मत के लोग हैं इसलिए टिकट कैसे मिले, टिकट की चिंता करते। या मैंने सेकावटी के अंदर देखा कि हमारे वहां तो लोग किन किन परिस्थितियों में लड़े, आप बहुत आगे हो हमसे एजुकेशन के अंदर, हाँ जमीनें वहां ठीक होगी लेकिन नहरें थोड़ी है, ये तो 15-20 साल से ट्यूबवेल खोद खोद के लोग पैदावार करके थोड़े बहुत आ गए एजुकेशन के अंदर। शेखावाटी 50 साल आगे मारवाड़ से, लेकिन आज राजनीतिक रूप से मारवाड़ बहुत मजबूत है। बोतल का चिन्ह जान जाएगा, कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी वोट होगा अपने आप पड़ जाएगा उसके अंदर, वो एक वोट भी पीछे नहीं रहेगा, ये मारवाड़ के अंदर। यहाँ तो दिक्कत देखो, आप टिकट का वेट कर रहे हैं, हर किसी मुझे और फोन कर रहे हैं, अरे साहब थोड़ा ध्यान रखिए मुखी की बात को, बोले कोई टिकट गड़बड़ मत दीजिए, तो अपन ला जला तो अपन ला है कोना तो बताओ, मनता समझू कौन है अपने वाले, तो वो है जो सत्ता में, मैं चाहता हूँ अपने लोग सत्ता पे बैठ जाए, कब्जा करे, सिंहासन इंतजार कर रहा है। अरे सेकंड नंबर थर्ड नंबर फोर्थ नंबर तो हमेशा ही रहते हैं, 52 से लेकर आज तक क्या क्या हम लोगों ने बताओ मुझे,
कब प्लेट तो कभी उठा लो, कौन मना कर रहा है इसके, कोई मना कर रहा है कि? किसी की आवश्यकता है क्या परमिशन लेने की? सत्ता के शिखर पे हमारे लोग कैसे बैठे? पिछली बार मैंने सबका ध्यान रखा, इस बार 23 में आप लोग इस RLP पार्टी का ध्यान रखोगे। जिस तरह बोतल का जल स्वच्छ पारदर्शी है, उसी तरह का प्रशासन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपको देगी। हमें सत्ता संकल्प के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर किसी किसान के ढाणी के अंदर 10 लाख की चोरी हो जाए, पुलिस चोर को पकड़ती है और चोर को पकड़ के बरामदगी करती है 2 लाख रुपए, वो खूब घूमता है। हम कोशिश करते हैं, पुलिस वाला कहते हैं इसको मारेंगे तो हम जेल चले जाएंगे, साहब क्या करें, 2-3 लाख पुलिस खुद रख लेती है 10 लाख में से, और 5 लाख रुपए ही वापिस, उसके बाद तो 2 लाख आता है। ये व्यवस्था हमें बदलनी है। सड़क पे टोल नहीं देंगे, हमारे बच्चे बेरोजगार तंग आके आत्महत्या कर रहे हैं, किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या करा। ये हालात जो राजस्थान की बे अपराध भ्रष्टाचार, इसको खत्म कौन करेगा? इसके लिए हमें सत्ता का संकल्प लेके इस व्यवस्था परिवर्तन के अंदर मेरा साथ देना है। अभी चुनाव का समय, कांग्रेस बीजेपी टिकट बांटने में व्यस्त है, और मैं आपके बीच लगातार संघर्ष करते हुए 15-20 साल का मेरा संघर्ष है, मेरे तीनों विधायकों का संघर्ष, चाहे पेपर लीक की घटना हो, और बजरी माफिया को अगर राजस्थान में सबक सिखाया, उसको फुर किया, तो RLP पार्टी ने बजरी माफिया को उसकी औकात राजस्थान के अंदर दिखा दी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि बड़े से बड़े नेता, चाहे बीजेपी में या कांग्रेस के अंदर, अगर मैं जिनके पीछे पड़ा उनको दिन में तारे नहीं दिखाए, तो उनका रिकॉर्ड उठा के देख लो, वसुंधरा से बड़ी तो कोई आई नहीं। और गहलोत के बेटे को सांसद हरा के ये भी संदेश दिया कि यहाँ हमेशा गहलोत का ही दांव नहीं चलता, कभी दांव हमारे बीच चलते हैं।